इन लोगों के नक्शे कदम पे चलने के बराबर हो सकता है. वी हैव टू बी वेरी मच अलर्ट अबाउट दैट. सेकेंड चीज, उन लोग क्या मुतालबा करते हैं, कुरैश के लोग जब उनको जो आपसे इस्लाम जो एक्सेप्ट नहीं करते, सेकेंड चीज क्या मुतालबा करते हैं, तुम क्यों ना ऐसा हुआ कि एक फरिश्ते को भेज दे, तुम्हारे रब से कहो कि वो एक फरिश्ते को भेज दे जो तुम्हारी तस्दीक करे. फॉर इंस्टेंस, अगर हम समझते हैं कि इनका एक एक बचपना वाला एक चाइल्डिश जो है ना उनका मुतालबा था, तो क्या अल्लाह ताला अगर फरिश्ते को भेज देते, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला फरिश्ते को भेज देते, तो वो इनकार करने वाले क्या इनकार करते थे? अरे ये तो कितना बड़ा जादूगर है, अपने किसी नौजबिला जिन को जो है ना खड़ा करके अपने दीन की गवाही देने वाले. यानी इस्लाम कबूल करने वाले सिर्फ अल्लाह की तौहीद और वाहदानियत और आयतों को गौर फिकर करके पॉन्डर करके इस्लाम लाते हैं, शरायत की बिना पर इस्लाम नहीं लाते. अगर शरायत पूरी भी हो जाती है तो फिर वो ऊंटनी वाला वाकया, कौम समूद का वाकया याद रखिए कि सौले अलैहिस्सलाम ने ऊंटनी पहाड़ से ले गई तो भी उसको मानकर नहीं दिए थे. अल्लाह ताला को मालूम था कि अगर इनकी शरायत में से एक भी शरायत पूरी हो जाती तो फिर फौरन अजाब आ जाता. अल्लाह ताला ने उनके पर रहम किया और वो मौजज़ात पेश नहीं आए. उसके बाद देखिए सेकेंड मामला जो पेश आया था, उन लोगों ने जो मुतालबात किया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आसमान का कोई टुकड़ा ही गिरा दीजिए, जैसा कि आप कहते हैं कि धमकियां देते हैं. आपने फरमाया कि इसका इख्तियार अल्लाह के पास है, वो चाहे तो ऐसा कर सकता है. उन्होंने कहा कि क्या आपके रब को मालूम था कि हम आपके साथ बैठेंगे, आपसे सवाल करेंगे और आपसे मुतालबा करेंगे और आपको सिखा देता कि आप हमें क्या जवाब देंगे? तो ये तमाम चीजें जो है ना, एक काइंड ऑफ लेग पुलिंग, धमकी, तमाम चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आ रही थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हुए, अपने घर वापस गए और आपके साथ आपको गम और अफसोस था कि वो तवक्का थी, यानी कुरैश जब मिलने के लिए आपको बुला रहे थे तो उनको उनको उम्मीद थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि शायद वो लोग जो है ना हक की तरफ आना चाह रहे हैं. लेकिन उनकी कन्वर्जेशन देखने के बाद में, उनके मुतालबात देखने के बाद बहुत ज्यादा गम और जो है ना दिल में दुख लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले जाते. ये मामला पेश आता है. अभी बायकॉट से पहले, अभी बायकॉट होने वाला है उससे पहले एक वाकया पेश आता है. देखिए उसमें क्या हुआ, अबू जहल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इकदाम उठाता है. जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास उठकर वापस तशरीफ ले जाए, अबू जहल ने उन्हें मुखातिब होकर पूरे गुरूर और तकब्बुर के साथ कहा, बिरादरानी कुरैश, आप देख रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन की ऐबचीनी करता है, हमारे आबा अजदाद की बदगोई करता है, हमारे अखलों को तकनीफ करता है, हमारे माबूदों को तजलील से आज नहीं आता. इसलिए मैं अल्लाह से अहद कर रहा हूं कि एक बहुत भारी और मुश्किल उठने वाला पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वो सजदे गिरेंगे तो मैं इस पत्थर से उसको सर कुचल दूंगा. नौजबिल्ला जो है ना अबू जहल वो स्टेप लेता है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर इंतजार करने लगता है कि दूसरे दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इबादत के लिए काबतुल्लाह की तरफ तशरीफ लेते हैं तो अबू जहल अपने कहे के मुताबिक वहां पर पत्थर उठाकर खड़ा हो जाता है. तो जब वो पत्थर लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उठता है और उनकी जानिब बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है तो एक शिकस्त खोजा हालत में वापस आता है. यानी उसके चेहरे के कलर चेंज हो जाता है, खौफ से रंग फख हो जाता है और उसकी कदर मरऊब था कि इन दोनों हाथों के पत्थर चिपक कर रह गए थे. यानी हाथ में से पत्थर छोड़ना भी वो भूल मुश्किल हो गया था और वो मुश्किल पत्थर को अपने हाथ से निकाल पाया. उसके बाद कुरैश के लोग उसको पकड़ कर बिठाते हैं, ए अबू लहकुम तुम्हें क्या हुआ है? तो इसने कहा कि मैं रात को जब बात कही थी, यानी पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंकने के लिए उठा और उनके करीब जाने लगा, तो ये भी देखिए एक मौजजा है. क्या पेश आया वहां पर, मैंने एक ऊंट को अपने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में देखा, जो ऊंट आड़े आ गया थे, वल्लाह मैंने कभी कोई ऊंट इतनी तरह का खतरनाक खोपड़ी वैसी गर्दन वैसे दांत कभी नहीं देखे. मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे खा जाना चाहता है. यानी अबू जहल की तरफ अल्लाह सुभान व तआला ने एक फरिश्ते को भेजा जो उसको खौफ ज्यादा करने लगा था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े नुकसान के लिए वो आगे बढ़ा था. एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसमें इब्ने हिसाक नामी किताब जो सीरत की है उसमें कोट किया गया है, कि वो जो पत्थर था यानी ऊंट जो दिखाई दिया था वो जिब्राइल अमीन थे, जिसे अल्लाह सुभान व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उस शक्ल में बनाकर भेजा था. सुभान अल्लाह, ये तमाम हटकंडे जारी हैं, तमाम हटकंडे जारी हैं. अब एक मामला जो सूरे बहुत मशहूर है, सूरे काफिरून का वो मामला पेश आता है, सौदेबाजियां का मामला. अब वो मामला लालच का मामला करे, पेशकश का मामला करे,
वो भी फेल हो गया, अब सौदेबाजियां करने लगते हैं। क्या सौदेबाजियां करते हैं? सूरह काफिरून में हम पढ़ चुके हैं कि तुम थोड़े दिन हमारे माबूद की इबादत करो, हम थोड़े दिन तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं। वो भी मामले को जो है ना, वो सूरह काफिरून की आयतें नाजिल हो जाती हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, और नाजिल होती है यानी ऐ काफिरों समझ लो कि जो है ना तुम हमारी इबादत करने वाले हो, उन माबूदों की इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। ये मंगो। ये जो है ना आयते देखो, मानते नहीं ना तुम्हें, यो क्या हो जाता है, ए क्या हो जाता है कतीना। तो ये मामला पेश आ जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीजों को रद्द कर देते हैं। उसके बाद में तमाम मामले पेश होने के बाद में मुशरिकीन जो है ना फिर एक अहद करने लगते हैं कि अब तो ना हम उनको कत्ल कर सकते हैं और ना उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो तमाम मामले करने के बाद में वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम जो है ना अबू तालिब यानी बनी हाशिम के पूरे खानदान को बाइकआउट कर देंगे। और फिर क्योंकि बायकॉट करने के मतलब ये था कि उनके तमाम तमाम लोगों को, पूरे खानदान के लोगों को जो है ना मुकम्मल बायकॉट करके उन्हें शेबे अबी तालिब में 3 साल के लिए, तकरीबन 3 साल के लिए बताया जाता है, 7 नबूवी से लेके 7, 8, 9 यानी 9 नबूवी तक एक एक यानी एक बड़ी लैंड था जिसमें उन लोगों को बाइकआउट करके जो है ना उस वादी में वो लोग रहने लगे थे। तो देखा गया तो वहां पर वो लोग बहुत ज्यादा तकलीफ के मामलात पेश आते हैं, ना उनके साथ कोई शादी ब्याह का मामला करने के लिए रेडी रहते हैं, ना खरीद को फरोख कर सकते हैं, ना उनके साथ बैठना पसंद करते हैं, ना उनके साथ मेलजोल रखना चाहते हैं, ना उनके घरों में जाना आना पसंद करते हैं, ना उनसे बातचीत करते हैं, जब तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना वो बनी हाशिम का खानदान जो है ना कत्ल करने के लिए इजाजत ना दे दे। कोई और सुलह की पेशकश वो लोग नहीं करना चाहते थे। और हठधर्मी की इंतहा देख लीजिए कि वो जो एग्रीमेंट था वो एक एग्रीमेंट की शक्ल में लिख कर जो है ना बगीज बिन आमिर नामी शख्स रहता, उसने एक तख्ती लिखकर जो है ना ये बैकॉट के पूरे चीजा जो है उनके साथ शादी मामला नहीं करना, खरीद व फरोख नहीं करना, उनके साथ बैठना नहीं, मेल जोल नहीं करना, और उनके घर के साथ कोई आना जाना नहीं, कोई बातचीत नहीं करना, ये पूरे कंडीशन लिख के नौजबिल्ला नौजबिल्ला काबतुल्ला की तख्ती जो है ना काबतुल्ला के पास लटका देते हैं। अल्लाहु अकबर, यानी बैकॉट और जुल्म सितम की एक इंतहा अब इस तरीके से पहुंच चुकी थी कि उनके खानदान को जो है ना बायकॉट करने का इरादा किया जाए। 3 साल तक शेबे अबी तालिब में इस कदर तक निहायत संगीन और तकलीफ का मामला पेश आता कि जो गल्ले थे, क्योंकि ट्रेडिंग वॉज द मेन बिजनेस, तो ट्रेडिंग खत्म हो चुकी थी और उनके 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 प्रोडक्ट्स को कोई खरीदने वाले नहीं थे, उनके शादी के लिए कोई रेडी नहीं थे, उनके साथ बात करने के लिए नहीं थे, तो वो पूरा खानदान जो है ना एक जगह महसूर होकर रह गया था, यानी लिमिटेड होकर रह गया था, और तमाम जो है ना तमाम जो है ना तकलीफ का मामला पेश आ रहा था। तो ये तमाम जो है ना तकलीफ का मामला पेश आ रहा था। शेबे अबी तालिब में मुसलमानों को साथ बहुत कड़ा जो है ना वक्त गुजरा है, हम सोच सकते हैं, यानी उसके ज्यादा डिटेल्स तो हमको नहीं मिलते, लेकिन हजरत बिलाल फरमाते हैं कि हम लोग सूखे पत्ते खा रहे थे और जो है ना यानी मरे हुए जानवरों के जो चमड़े रहते हैं उसके सूप्स वगैरह नौजबिल्ला नौजबिल्ला पी कर जो है ना उनका गुजारा होता है। और वो भी फरमाते हैं, इन तमाम चीजों में डिटेल्स लिखे गए हैं अगर आप देखेंगे तो। ये तमाम इस तरीके से हमारी जिंदगी गुजर रही थी। एक जगह तो फरमाते हैं कि जो बॉडी से एक्सक्रीशन यानी स्टूल्स की शक्ल में निकलता है, तो बिलाल फरमाते हैं कि बकरियों की मेंगनियों की शक्ल में जो है ना हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन उस तरीके से निकल रहा था, यानी कोई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, एक न्यूट्रिशन डाइट के नाम पर कुछ भी उस वक्त नहीं था हमारे पास। लेकिन उसमें भी एक उम्मीद की किरण ये थी कि वक्तन फवक्तन जो नर्म दिल रखने वाले कुछ लोग थे, मुतअम बिन अदी का प्रोमिनेंटली इसमें नाम किया जाता है, लिया जाता है, और हकीम बिन हजाम जो हजरत खदीजा के भतीजे थे उनका भी नाम इसमें शुमार किया जाता है, वक्तन फवक्तन वो क्या करते थे, एवरी देन एंड नाउ जो है ना कुछ गल्ला यानी ग्रोसरी ले जाकर वहां पे शेबे अबी तालिब में रखते, पहुंचा देते थे, छुपते छुपाते, खुलम खुला देने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये छुप छुपा कर इस तरीके से वहां पर पहुंचा देते थे।
अल्लाह अकबर, थोड़ी सी तस्वुर कर दीजिए इस्लाम पे नाम पर उन लोगों को कितनी ज्यादा तकलीफात पहुंचे थे और आ, आ, और कितने तरीके से सेक्रीफाइस क्या करना था उनको, सिर्फ अपने कलमे से फिर जाना था। और इसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी थे, लेकिन अपने खानदान की मोहब्बत की वजह से, यानी किनशिप की भी मोहब्बत हमको समझ नहीं आई और इस्लाम के लिए सेक्रीफाइस भी समझ नहीं आ रहा है। तो जो अबू तालिब थे उनका भी एक हिकमत का यहाँ पर नजर आता है कि अपने भतीजे से मोहब्बत की इंतहा की ये थी कि रात जब होती थी जंगल में वो सोया करते थे, तो उन्होंने क्या करते थे अबू तालिब, अपने भतीजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह सुलाते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, आधी रात गुजर जाने के बाद में उनको खदशा लायक हो जाता था कि नौज़ बिल्ला कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि उनका उनको बाइकआउट करने का मकसद क्या था, कुरैश क्यों बाइकआउट कर रहे थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की इजाजत दे दो तो हम तुम्हारे खानदान के साथ डीलिंग्स नॉर्मल कर देंगे। लेकिन क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान इतनी प्यारी थी, तो रात में भी उठकर अबू तालिब जो है ना बहुत तकलीफ महसूस करके करते थे, बेचैनी महसूस करते थे, और जो है ना उनको जगह बदलने का हुक्म देते थे कि आप जो है ना इधर से हटो और अपने भतीजे या भांजे किसी एक को जो है ना उनकी जगह पर सुला देते थे। सुभान अल्लाह, एक तकलीफदा पीरियड था जिसमें उनकी बीवी हजरत खतीजा, उनके चाचा अबू तालिब और तमाम जो है ना बेहतरीन मुसलमान वहां पर थे जो हाशिम खानदान से बिलोंग करते थे, और वो एक सख्त पीरियड था। लेकिन उस दौरान में भी आप याद रखिए, हम थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाती है तो हमारी नमाजें असरअंदाज होने लगती है, दावत तो दूर की बात, हमारे प्रोग्राम्स तो दूर की बात, हमारी डेली रूटीन की इबादतें भी फर्क हो जाती हैं। लेकिन इन ईमान वालों का क्या ईमान था, क्या उनके दर्जात होंगे, क्या अल्लाह के पास उनकी कदरदानी होगी, कि यानी बायकॉट के आलम में भी अगर हज का वक्त आता तो ये लोग अपने उस यानी उस सर्कल से निकलकर जाकर जो है ना सुभान अल्लाह दावत पेश करते थे। ईमान की शिद्दत की इंतहा इन हालात में भी उन अमली नमूने से नजर आ रही है। हम तमाम लोग जलब के तलबगार हैं, हम तमाम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के तलबगार हैं, हम लोग तमाम सहाबा किराम से जन्नत में मुलाकात के उम्मीदवार हैं। इन तमाम सेक्रीफाइसेस को देखकर थोड़ी देर के लिए हमारे सेक्रीफाइसेस से कंपेयर करते हैं, हम कितनी तकलीफ इस्लाम के लिए उठा सकते हैं, हम कितना सेक्रीफाइस इस्लाम के लिए कर सकते हैं, इस्लाम के लिए और दीन के लिए सेक्रीफाइसेस को अगर हम हटाकर अपनी इबादतों की तरफ हम फोकस करते हैं, हम इबादतों में कितनी मशक्कत कर रहे हैं, इबादत तो अपने सेल्फ लिए सेल्फ के लिए है ना, दीन के लिए तो हम ठीक है हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट इज हायर लेवल ऑफ आंसर ओके। अगर हम उस तक नहीं रेडी हैं तो सिर्फ हम अपनी इबादतों पर फोकस करते हैं कि वो लोगों ने तो दीन इस्लाम के लिए सेक्रीफाइसेस की थी, दीन इस्लाम के लिए इतनी तकलीफात उठाए थे, मैं और आप अपनी इबादतों के लिए तकलीफात इतना उठा सकते हैं, क्या हम ब्लैंकेट उठा सकते हैं फजर की नमाज के लिए अपने जिस्म से, क्या हम ईशा की नमाज के लिए लंबा क़याम कर सकते हैं, क्या हम कुरात के लिए वक्त निकाल सकते हैं अपनी मसरूफ तरीन सोशल लाइफ से हटकर कुरान के लिए वक्त निकाल सकते हैं, कहां कंपैरिजन में हम किस कोने में खड़े हो जाते हैं, जब जन्नत का फैसला किया जाएगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अजर हो रहा होगा, हमारी कितनी छोटी स्केल होगी, हमारे कितने छोटे मुतालिबात होंगे और उनके कितने बड़े दर्जात और उनके कितनी बड़ी सेक्रीफाइसेस होंगे, और हमारा तलब जन्नतुल मावा और जन्नतुल फिरदौस। थोड़ा सा इस आईने में मैं अपने आप को तलाश कर रही थी, कहीं नजर नहीं आए, बिल्कुल एक अतना सा एक छोटा सा दिन का भी हम उस हालात के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो हशर को हम इमेजिन करें, अपने अंजाम को इमेजिन करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है बस साबिकुल खैरात, यानी कि सबखत ले जाओ खैर के कामों में। ठीक, हम कंपैरिजन किस में करने लगते हैं, हमारा कंपैरिजन दुनियावी मामलात में है, हमारा कंपैरिजन उससे अच्छी शादी करना, मेरी बहू उससे खूबसूरत होना, मेरा बेटा उससे अच्छी जगह पे लगना, काइंड ऑफ यानी कंपैरिजन, यानी हम अपनी पर्सनल लाइफ से ले लीजिए, अपना घर रिहाइश से ले लीजिए, अपनी तमाम चीजों से कंपैरिजन होता है, व्हाई नॉट कंपैरिजन विद सहाबा के, हम वैसी निकियां तो नहीं कर पाते लेकिन कुछ हद तक हम अपने इबादतों में दुरुस्तगी कर सकते हैं, कुछ हद तक हम अपनी जो है ना सोशल लाइफ में इसमें ईमान और तक्वा पैदा कर सकते हैं। एक सवाल है मेरे और आपके लिए, इस आईने में बायकॉट के आईने में मैंने अपने आप को तलाश किया तो मैं अपने आप को कहीं नहीं देख पाई, कहीं भी नहीं,
आप अपने आप को इस आईने में रखिए और इस सेक्रीफाइसेस में अपने सेक्रीफाइसेस को तोल कर देखिए, क्या आप किस पोजीशन में अपने आप को देखते हैं। अगर मैं उस बायकॉट में होती तो कितने दिन उस जगह सेक्रीफाइस कर पाती, कितने दिन मैं उन पत्तों पर सर्वाइव कर पाती, कितने दिन मैं नबी के साथ खड़े हो पाती, कितने दिन मैं इस आलम में, इस जगह, इस कंफर्ट जोन में मैं कितनी सुन्नतें अदा कर पा रही हूँ, इससे मोहब्बत का अंदाजा हो जाएगा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत है, इस कंफर्ट जोन में हम कितनी सुन्नतें अदा कर पा रहे हैं, कितने दुरूद हम पढ़ पाते हैं, इससे ही अंदाजा हो जाता है कि मेरी मोहब्बत नबी के लिए, मेरी मोहब्बत ईमान के लिए, मेरी अपनी तैयारी हशर के लिए कितनी हो गई है। बहरहाल सहीफा चाक हो जाता है, इसका एक वाकया है, इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इसको देखेंगे, क्योंकि हर वक्त एक सा नहीं होता, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो वो मुश्किल भी बायकॉट की खत्म हो जाती है और अमन नसीब हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर एक आजमाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आती है, हजरत खदीजा और अबू तालिब की वफात के साथ, तो यानी गम का साल भी अगले इसमें देखेंगे। बहरहाल टाइम का हो चुका है, इंशाल्लाह कुछ अनाउंसमेंट है। थर्सडे इंशाल्लाह हमारा यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स चल रहा था उसमें वो आखिरी सेशन रहेगा, यानी आखिरी इसमें देखेंगे कि 10 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और एक सरप्राइज है, हमारी जिंदगी का जो महू है, हमारी जिंदगी का जो मरकज है, यानी तलाश, खुशी की जो तलाश है, उसकी एक बहुत अच्छी सीक्रेट और फॉर्मूला इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जब पढ़ी मेरे लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहा, मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल रहा। ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी मुफीद साबित होगा, फोकस करने के लिए अच्छा रहेगा और जो है ना प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने के लिए अच्छा रहेगा। तो जरूर शिरकत करिएगा थर्सडे के दिन इस फॉर्मूले को जानने के लिए और सक्सेसफुल पीपल के वो 10 सीक्रेट्स क्या हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल करार दिए गए हैं। बहरहाल इन चीजों को हम इंशाल्लाह ये सेशन में सीखने वाले हैं थर्सडे के दिन। उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह की मर्जी होगी तो हम अगला सूरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपके कोई डाउट्स हैं फिजिकल ये हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उस दिन हम फिर वो भी डिस्कस करेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, फीडबैक्स लेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसे इस तरीके से हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, वो भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो अपनी पूरी कुव्वत के साथ, एनर्जीज के साथ, जोश के साथ इंशाल्लाह जरूर शिरकत करिएगा और अपने साथियों को भी जरूर शिरकत करवाइएगा, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकें, सब कॉन्शियस माइंड से हटकर अवेयरनेस और कॉन्शियस जिंदगी गुजारने के तरीका हम सीख सकें। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा, सुभानकअल्लाहुम्मा बिहम्दिका, दुआएं के लिए कहा था ना जी, जी मैं कराती हूँ इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर रिमाइंडर। अल्लाहुम्मा से एक दुआ कर लेते हैं, हमारे भाई की तरफ से दुआ है, अल्लाह ताला उनके लिए सेहत दे, इंशाल्लाह दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या हय्यू या क़य्यूम बि रहमतिका इस्तगीस व अस्लिह लि शानि कुल्लिहि व ला तकिलनी इला नफ्सिन तरफ़तैन। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। يا ربي يا رحمن يا رحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري والمستور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم। يا ربي يا رحمن या अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे, ए रब्बुल आलमीन हम तेरी बारगाह में, ए रब्बुल आलमीन तेरी तमाम किबरियाई बयान करते हुए, तेरी किबरियाई के साथ ए रब्बुल आलमीन हम आपके सामने हाथ फैला हैं। ए रब्बुल आलमीन हमारी कोताहियों को दरगुजर अता फरमा दीजिए, हम पर रहम अता फरमा दीजिए। ए रब्बुल आलमीन हमसे वो मुआखिजा ना कीजिएगा जिसकी हमसे हमारे अंदर कुव्वत ना हो। ए रब्बुल आलमीन हमारी परेशानियों को, हमारी बीमारियों को, हमारे सेहत के मसाइल को अल्लाह दूर अता फरमा दीजिए। रब्बुल आलमीन हम में जो बीमार हैं या अल्लाह उन्हें सेहत कामिला आजिला नसीब अता फरमा दीजिए। रब्बुल आलमीन पहले से ज्यादा सेहत अता फरमा दीजिए या अल्लाह, उनके खून में, उनकी हड्डियों में, उनके जिस्म के आजा में
ऐ रब العالمین उनकी क़ुव्वतों में इजाफा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह पहले से ज़्यादा क़ुव्वत, पहले से ज़्यादा ईमान, पहले से ज़्यादा नूर अता फरमा दीजिए। ऐ रब العالمین तमाम साइंस, तमाम टेक्नोलॉजी एक तरफ और आपकी कुन फ़ैकुन की क़ुव्वत एक तरफ। ऐ रब العالمین हम तमाम तवक्कल के साथ आपके दरबार में हाजिर हैं। ऐ रब العالمین हमारे उस साथी को ऐ रब العالمین सेहत कामिल अता फरमा दीजिए। और तमाम जो हमें बीमार हैं अल्लाह, हमारे घरों में जो बीमार हैं या अल्लाह, तमाम को सेहत कामिला अजला की रहमत से, नेमत से नवाज दीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन हम पर रहम अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन हमारी कोताहियों से दरगुजर अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन हम पर रहम अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन बेशक हम अपनी जानों पे जुल्म करने वाले हैं, बेशक हम उसका उस तरीके से हक अदा करने वाले नहीं हैं जैसा हक अदा करने का हुक्म है। ऐ रब्बुल आलमीन हम पर रहम अता फरमा दीजिएगा, हम पर हिदायत उंडेल दीजिएगा, हमारी पेशानी के बाल पकड़ कर हिदायत के रास्ते पर डाल दीजिएगा। ऐ रब्बुल आलमीन शिफा के, ऐ रब्बुल आलमीन रहमत के दरवाजे हम पर ना बंद कर दीजिएगा। ऐ रब्बुल आलमीन सेहत कामिला अजला हिदायत और रहमत वाले दरवाजे हम पर खोल दीजिएगा। हमारे जिस्मों में आफियत अता फरमा दीजिए, हमारे रूह में आफियत अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला नसीब अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन रूहानी बीमारियों को दूर अता फरमा दीजिए अल्लाह, जिस्मानी बीमारियों को दूर अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन इस बला के वबा की जिद में जितने भी मुब्तला हैं अल्लाह, जाने अनजाने बीमारियों में मुब्तला हैं अल्लाह, जो छोटी बीमारियां हैं अल्लाह, जो बड़ी बीमारियां हैं अल्लाह, जो लाइलाज हैं अल्लाह, जो इलाज याफ्ता है अल्लाह, तमाम को शिफा तेरी ही तरफ से मिलती है अल्लाह। तू फैसला कर ले तो फिर कोई चीज उसके हायल नहीं हो सकती है। रब्बुल आलमीन तेरी बेहतरीन रहमत के साथ सवाल करते हैं अल्लाह, शिफा के फैसले अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन ऐ अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है अल्लाह, शिफाए कामिला अजला नसीब अता फरमा दीजिए अल्लाह, घर वालों को हिम्मत अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन हम सब की अल्लाह जायज ख्वाहिशात को पूरा अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन हमें अपनी किस्मत पे अल्लाह राजी होने वाला बना दीजिए। रब्बुल आलमीन हम पर रहम अता फरमा दीजिए, हमारी तमाम अल्लाह परेशानियों को दूर अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत दीजिए। या अल्लाह जिनके घरों में रोजी के मामले हैं अल्लाह उन्हें रोजी के कुशादा अता फरमा दीजिए, रिस्के हलाल नसीब अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिनके जोड़ों के मामले हैं अल्लाह उन्हें बेहतरीन जोड़े, स्नेह और सॉलिड जोड़े अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जिसके शादी के मामला पेंडिंग है अल्लाह उन बच्चे बच्चियों को बेहतरीन जोड़े अता फरमा दीजिए। ऐ रब्बुल आलमीन जो इल्म सीखने के अल्लाह मुतालिब है अल्लाह उन्हें बेहतरीन इल्म नाफिया अता फरमा दीजिए। गर्ज अल्लाह दुनिया और आखिरत का बेहतरीन खैर अता फरमा दीजिए। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कस्ली वल जुबली वल बुख्ली व ज़लालिद्दैनि ग़लबति रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बुख्ली, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल इल्म नाफिया व रिज़्क़न तैयबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल जन्नत الفردوس واعوذ بك من النار امين يا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد يا رب العالمين ہمارے امین سے پہلے اللہ فرشتوں کی امین کر دیجئے کن فیکن کے فیصلے عطا فرما دیجئے یا اللہ ہم جو ماننے سے قاصر ہیں اللہ وہ بھی عطا ہم چھو گئے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے امین یا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته